हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वडोदरा एनजी ऑटो वर्कशॉप में। अभी एनजी ऑटो वर्कशॉप में ये पंप नोजल का जो काम है, ऑल टाइप ऑफ नोजल रिपेयरिंग सर्विसिंग, ये भाई हमारे फ्रेंड है। इन्होंने पंप नोजल का, बॉश का बड़े डीलर है वडोदरा में। किसी को भी बॉश का पंप नोजल सर्विसिंग अदरवाइज रिपेयरिंग करवाना है तो आप हमारे वहाँ आ सकते हैं। कहीं से भी, ऑल इंडिया में कहीं से भी आप अपने नोजल कोई भी गाड़ी की आप भेज सकते हैं। आपको रिपोर्ट देंगे, चेक करेंगे, उसके बाद आप आगे काम करेंगे। मैं आपको दिखाने जाता हूँ अभी ये मशीनरी कौन कौन सी है हमारे पास अवेलेबल। ये हमारे गुलाब भाई हैं, एनजी ऑटो वर्कशॉप के ओनर। अभी ये हमारे फ्रेंड हैं, ये आपको बताएंगे कौन कौन सी मशीन है और कौन सा काम होगा। अभी आप मशीन के बारे में सब बताइए जरा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बी ऑफ डीजल टेक्नोलॉजी, आई एम रिप्रेजेंटिंग दैट बॉस 205। अब हिंदी पे आ जाता हूँ कि ये 205 मशीन है, BS4 और BS6 गाड़िया के लिए। इसके अंदर LCV एंड HCV, देखने जाए तो लाइट कॉमर्शियल व्हीकल एंड हैवी कॉमर्शियल व्हीकल दोनों आ जाते हैं। इसके अंदर देखने जाए तो एकदम 100% कंप्लीट डेटा आता है। फिर आप कोई भी इंजेक्टर ले लो, पीजो का ले लो, कॉन्टी का ले लो, और रेगुलर बेस जो HCV LCV का कोई भी है। और BS4 में ग्रीन इंजेक्टर है, CRIN है, और नोजल में है 3DHQI, जैसे कि BS3 में आता है। तो उसका मैं थोड़ा आप में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये मेरा इसका सॉफ्टवेयर आता है जो EPS 200 लिख के आता है। इसमें तीनों प्रकार के ये इंजेक्टर के प्रकार दिया है। ये है DHQI, इट मीन्स BS3 में जो लगने वाली नोजल होती है वो। इसके बाद आता है कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम जो CRDI सिस्टम बोलते हैं, मैकेनिक भाषा में CRDI। देन आफ्टर अगर हम ऐसे देखने जाएंगे तो इसमें हम आपको EPS 205 मेजरली बॉस का ही डेटा देती है, पर इसके अंदर आपको डेल्फी है, डेंसो है, कमिंस का सीमेंट्स है, तो उसका आपको डेटा डालने देती है। पर बॉस मना करती है कि ऐसा मत करो, डेटा इंटरप्शन होने का चांसेस रहता है, तो इससे ज्यादा है कि आप बॉस का ही डेटा यूज करिए। ये सब डेटा है। इसके अंदर आप कोई भी ट्रक का भी इंजेक्टर होता है, फोर व्हील सेगमेंट का भी होता है। अभी जो लगा हुआ है वो मास्टर इंजेक्टर है जिसका डेटा बॉस को ऊपर जाता है कि अभी गुजरात में जितना भी DS है, जिसके पास 200 and 205 है, तो उसका डेटा उधर जाता है कि मशीन का फ्लो मीटर सही है, इसका रेडिंग सब सही है। क्योंकि जो हम बॉस की तरफ से सर्विस देते हैं तो उसका एक जेन्युइनिटी स्टैंडर्ड कम नहीं होना चाहिए। कि कोई भी ऐसा बोला चाहिए बॉस में इंजेक्टर कराया, इसमें बैक लीक ज्यादा आ रहा है, तो एक कस्टमर का सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। इसके मुताबिक है, इसमें सब इंजेक्टर हो गया बराबर तीनों प्रकार। इसके बाद हम जाते हैं, ये है EPS 625। ये है स्पेशली BS4 BS6 के लिए टेस्ट बेंच है। इसके अंदर देखने जाए तो CB18, CB28, देन आफ्टर फोर व्हील सेगमेंट, CP3, CP4, देन आफ्टर ऑल काइंड्स ऑफ CRDA पंप इसमें हम कर सकते हैं। पूरा का पूरा इसके लिए बेंच बना है। अभी ये जो हमने सिस्टम लगाए, थोड़ा जुगाड़ करके लगाए कि क्योंकि टाइम कंजप्शन कम करे और कस्टमर को फटाक से रिपोर्ट मिल जाए कि ये इंजेक्टर चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, इसके लिए थोड़ा जुगाड़ का है, पर ये चलता है। परफेक्ट डेटा के लिए ये मशीन है 205। और इसके बाद मैं डोजिंग सिस्टम का भी करता हूँ, जो यूरिया डोजर बोलते हैं उसका, कि उसमें डोजर खराब हो जाता है तो क्या दिक्कत आता है, मेजरली इन ट्रक्स में। इसके बाद ये कैलिब्रेटर का मशीन है, इस पे सब हम लाइन पंप और रोटरी पंप करते हैं, जो BS2 और BS3 का आता है उसका। ये सब इंजेक्टर है, इंजेक्टर में भी देखने जाए तो बॉस के प्योर ओरिजिनल इंजेक्टर है। और इसका हम हर 2 महीने में एक बार मास्टर पंप आता है, मास्टर इनलाइन पंप और मास्टर वी पंप, और जो हमारे अभी पार्सल में है हम अभी आपको दिखा देंगे, और इधर हम हमारी पोस्ट पे डाल देंगे। जो भी काम करते हैं एकदम स्टैंडर्ड से करते हैं और कोई भी अनजेन्युइन पार्ट्स यूज नहीं करते, क्योंकि कस्टमर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बॉस का होर्डिंग्स डाल के ये अनजेन्युइन काम कर रहे हैं। क्योंकि वो एक सोसाइटी में, मैकेनिक सोसाइटी में ऐसा लगे कि पोस्टर बॉस का है और काम अनजेन्युइन कर रहा है, तो वो माइट भी एक चुपता है थोड़ा सा इसीलिए, और कस्टमर को भी थोड़ा ऐसा रहता है। इसके बाद देखने जाए तो CRDI जो कंप आता है नोजल अगर हम